की भारत न्यूज हम आपको दिखाते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। इंडियन काउंसिल ऑफ प्रेस ने उठाए पत्रकारों की आवाज। इंडियन काउंसिल ऑफ प्रेस रजी शून्य जिलाध्यक्ष कमलेश कुमार पुजारी जी पत्रकारों के साथ में जाकर हरदोई नगर मजिस्ट्रेट को सौंपा ज्ञापन। चुनाव कवरेज करते पत्रकारों को भत्ता, वाहन सुरक्षा प्रदान की जाए। निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने की कड़ी में निम्न मांगे को स्वीकार करने के संबंध में नगर मजिस्ट्रेट हरदोई को सौंपा ज्ञापन। द्वारा प्रधानमंत्री को दिया गया ज्ञापन व महामहिम राष्ट्रपति को दिया गया ज्ञापन व आयुक्त महोदय भारत निर्वाचन आयोग दिल्ली को दिया गया ज्ञापन। इंडियन काउंसिल ऑफ प्रेस के जिलाध्यक्ष कमलेश कुमार पुजारी की अध्यक्षता में दिया गया ज्ञापन। इस मौके पर जिलाध्यक्ष कमलेश कुमार पुजारी, सचिव राम प्रसाद वर्मा, एडवोकेट नीरज कुमार, श्यामू राजपूत, उमा देवी महिला बिन जिलाध्यक्ष हरदोई, अनिता वर्मा, कृष्ण कांति, अम्बालिका राज, सरिता, वंदना देवी, अखिलेश कुमार, पूजा वर्मा, अनुज कुमार, मंजू आदि पत्रकार साथ ही मौजूद रहे, जिसमें मांग की गई चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी तरह से संपन्न हो सके इसके सफल प्रयास। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा किए गए मीडिया में जरूरी जिम्मेदारी निभाने को पूर्ण रूप से तत्पर हुई, किंतु अवैधानिक बिना सुविधा स्वास्थ्य के राष्ट्रहित में कार्य करने वाले पत्रकारों के समक्ष तमाम तरह की समस्याएं हैं, जैसे चुनाव कवरेज के दौरान खानपान, वाहन सुरक्षा के भाव में तमाम तरह की परिस्थितियों में पत्रकारों को बहुत बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए पीड़िता पत्रकारों की भावनाओं की कद्र करते हुए निम्न मांगों को स्वीकार कर शासन प्रशासन को सहयोगपूर्ण निर्देश जारी करने का कष्ट करें। चुनाव कवरेज करते समय पत्रकारों को भत्ता, भोजन, वाहन सुरक्षा प्रदान किया जाए व पेड न्यूज जांच कमेटी में 10 वर्ष का अनुभव किए पत्रकारों को सम्मानित किया जाए। पत्रकारों को आपातकालीन स्थिति में मदद लेने व गोपनीय सूचना उपलब्ध कराने हेतु वरिष्ठ अफसरों के नंबर उपलब्ध कराए जाएं। चुनाव कवरेज के दौरान अगर किसी पत्रकार के साथ कोई अप्रिय घटना होती है तो पत्रकार या उसके परिवार की पारिवारिक स्थिति के आधार पर सहायता की जाए।